नमस्कार, हमारे साथ एक बहुत खास अतिथि मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश प्रताप, जो अपने आप को एक राम सेवक कहते हैं और यही बनारसी सांसद क्षेत्र से उन्होंने एक नाम अपना नामांकन किया है। वो प्रत्याशी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये है उनका एक पैम्फलेट घोषणा पत्र। उन्हीं के साथ हम ये आखिरी 10 दिन के कैंपेन के बारे में बात करेंगे। गुरु जी, आप यहाँ पे यही शहर के हैं? मैं इसी जिले के राजवाड़ी गांव है, वहीं का रहने वाला हूँ जी। यहीं से मेरी पढ़ाई भी हुई, इंद्र प्रताप कॉलेज वाराणसी से जी। आपने क्यों ये निर्णय लिया कि आपको ये इलेक्शन लड़ना? निर्णय तो मुझे अचानक लेना पड़ा, क्योंकि मोदी जी की सरकार तानाशाह हो चुकी है। ये इस साल इतने अधिक प्रत्याशियों का उन्होंने पर्चा निरस्त किया, उसी क्रम में मेरा भी नामांकन डुमरियागंज में, मैं अपने जिले में था, 40 साल नौकरी किया। जब वहाँ मेरा पर्चा निरस्त हो गया, जबकि यहाँ उसी परिस्थिति में मेरा सब ठीक पाया गया, वहाँ निरस्त कर दिया गया, तो मेरे सामने और कुछ विकल्प नहीं था। मैंने कहा अब चलूँगा जो तानाशाह है उसके खिलाफ ही। मैं हमारा गिरी जनपद भी हमारा घर है, अपने घर में ही उसको बाहरी आदमी आके क्यों करेगा? यहाँ कोई बनारस में कोई इस लायक नहीं था जो सांसद हो सकता था। तो मेरे मन में आज मैं यहाँ चला आया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना मैं लड़ूँगा, तो उनका ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं हमको करिए, क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। तो बाद में वो अपने को समझे कि नहीं ठीक है, ये आपका वहाँ रहना उचित है। फिर अपने उन्होंने विदा कर लिया, हमको लड़ाया। आपने बताया कि मोदी सरकार बड़ी तानाशाही सरकार बन गई है, किस तरह वो तानाशाही बने आपको क्या लगता है? अब तानाशाही यही है कि जैसे एक तो यही देखते उनका एक नारा लगा कि अब की बार मोदी सरकार, अभी तक होता था अब की बार भाजपा सरकार, वो भाजपा गौड़ हो गया, अब की बार मोदी सरकार। तो ये क्या चाहते हैं, भाजपा को खत्म करके खाली मोदी ही चलाना चाहते हैं मुझे? अब बाकी आप देखिए, शुरू से देखिए कि अडवाणी, जोशी, राजनाथ सिंह, इन सबको जिन्होंने कहीं कहीं को मदद किया होगा। मैं विश्वेंदु परसर से भी जुड़ा था, तो तोगड़िया के भी संपर्क में था। तोगड़िया जी जो कभी उनको वहाँ तक ले की भी थी, सहयोग था उनको वहाँ तक ले पहुँचाने में, लेकिन उनको भी नहीं, उन्होंने उनके ऊपर भी हुआ, आप सब जानते हैं, उसमें कुछ कहना तो है नहीं। तो इसलिए मुझको पीड़ा हुई, और बाकी मंदिर के दूसरे तो था ही कि उस पर कुछ नहीं किया, सब कानून बनाया तो उस पर भी कानून बना सकते थे। तो कहते हैं राज्यसभा में बहुमत नहीं है, अगर तो बहुमत हो न हो, आखिर उसी परिस्थिति में तो और भी तो कानून सब पास हुए, तो नहीं किया था शायद, इसमें और चुनाव के जीतना चाहते रहो। लेकिन उस जब तक पुलवामा की घटना नहीं हुई थी, तब तक तो बिल्कुल जनता बिल्कुल नाराज थी मोदी से, बोलता कि अब की बार, क्योंकि मैं जाता तो मैं कल इतना कहता था कि पहले मंदिर फिर सरकार, तो मैं चुप हो जाता था, जनता ही बोलने लगती थी कि नहीं अब ये कुछ नहीं किया, मतलब उनके विरोध में ही बोलने शुरू करती थी। और लेकिन ये पुलवामा कांड के बाद से फिर एक बार उनको संजीवनी मिल गई। लेकिन पुलवामा कांड के पीछे भी कहीं ना कहीं उनकी, हम नहीं कहते कि उन्होंने कराया, लेकिन उनकी ढिलाई का परिणाम यह है जो इतना बड़ा कांड हुआ। और मान लीजिए कांड यदि इतना बड़ा कांड किया पाकिस्तान ने, तो इंदिरा गांधी ने जैसे पूरी पाकिस्तान को ख़त्म किया, तो उसी तरह तो उनको भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि हमेशा के लिए वो ख़त्म हो जाए समस्या, अपने मिला लो या जैसे भी करो, लेकिन वो भी नहीं किया। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में बनारस और काशी के लोगों से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? हम जहाँ मिल रहा है, जैसे अभी बहुत दिन नहीं हुआ, लेकिन जहाँ जा रहा हूँ वो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये कुछ भगवान की कृपा है। क्योंकि आज की राजनीति क्या हो गई, ये पैसे पर हो गई, इसीलिए केवल धन बल, जो धन जिनके पास है या बाहुबल, यही दो आदमी आज चुनाव लड़ रहे हैं। सामान्य आदमी सोच भी नहीं रहा, मैं भी आया तो लोग कहते हैं क्या, कुछ समझे कि पागल हो गए, कुछ कहें कि सठिया गए, इसलिए मेरे पास पैसा भी नहीं है। ये आपके जो ये पैम्फलेट है उसमें से कम 4 मुद्दे किसानों से जुड़े हुए हैं, और किसानों के मुद्दे को लेकर सारे देश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हर जगह जहाँ पे किसान बहुत बेबस हैं, बहुत लाचार है, बहुत गुस्से में, उनको लग रहा है कि सरकार की नीतियाँ बिल्कुल उनकी तरफ देख ही नहीं रही है, उनकी समस्याएं को नहीं समझ रही है, तो किसानों को लेकर आप क्या करना चाहते हैं अगर आप
आपको मौका मिले तो। अब किसानों के लिए जो भी उनकी समस्या होगी उसका समाधान की, जैसे हमारे यहाँ की, जैसे हम खेत उसमें सब लिखा भी हुआ है, जैसे हम बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करवाएं, हमारा अधिक बढ़ावा दिया जाए, और भी सब पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, उनको बिजली पानी की व्यवस्था होगी, उस डिटेल उसमें पूरा दिया हुआ है उसमें। अच्छा, कुल मिला के अभी कितने कैंडिडेट्स हैं मोदी जी के खिलाफ? 26 हैं। 26? अच्छा, 26 कैंडिडेट्स हैं। और काशी बनारस तो बड़ा एक बहुत बड़ा महान शहर है, संसदीय क्षेत्र तो बहुत ही बड़ा है, उसमें गांव भी आ जाते हैं, तो आप हर जगह प्रचार करेंगे? जाएंगे हर जगह, मतलब हर प्रयास करेंगे, हर जाएंगे, हमको धूप में और उसमें, हमने एसी में बैठने वाले नहीं है जी, मैं तो दोपहर में भी चलता हूँ। बताने की अब जैसे अयोध्या, मैं शोहरतगढ़ में अध्यापक हूँ, अभी भी 30 जून तक हूँ, 17 लाभ में हूँ, और उस ये एक साल पहले ही मैं अयोध्या आके रहने लगा, ज़्यादातर छुट्टी लेकर के, कि मैं वहीं रहूँगा, मंदिर बनेगा तो उसमें अपना सहयोग करूँगा। मैं तो ये जानता था कि अंतिम समय में मंदिर मोदी जी कुछ ना कुछ करेंगे, लोगों को ये उम्मीद था कि मंदिर कुछ होगा बनेगा, मैं ये जान चलाया सोच करके, और मैं कहीं राजनीति को व्यवसाय से मुक्त कराऊंगा। सबसे बड़ा जो मुद्दा मेरा है कि आज 10 करोड़ खर्च करता है, क्यों कोई खर्च करता है, क्या उनको आप सेवा के लिए आप उनका है? नहीं, उसको उसके पीछे कि अगर 10 करोड़ खर्चा करेंगे तो पता नहीं कितने करोड़ कमाएंगे, ये है। और सब जितने भ्रष्टाचार वाले हैं, जितने भ्रष्टाचार लिप्त हैं, या जो पैसे पैसा कैसे आएगा, ईमानदारी से पैसा नहीं आ सकता है, पैसा यदि किसी कोई बहुत कमाया तो जरूर वो कहीं भ्रष्टाचार से ही पैसा किया कमाया है, तो वो अपना कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ सांसद कांग्रेस का था और जगदेव गोपाल, अब उसका था, पहली बार पैसा दे के टिकट दे दिया, इस बार भी था कि टिकट कटेगा कटेगा, लेकिन फिर टिकट ले लिया, पैसा दे दिया उसने, तो यही है। भाजपा समझती है कि नहीं, जो हमारी पार्टी में आ गया उसको हमने वो गंगा में नहा लिया, हाँ, जो भी अपराधी हैं यहाँ आ गए तो सब शरीफ हो गए, अब बाहर हैं तो अपराधी हैं, ये उसकी सोच है। तो मैं भी सिंध परिषद से भी जुड़ा रहा हूँ, बहुत दिन तक रहा हूँ, उसके लिए मैं लाठियाँ भी खाई हूँ, खाया हमने, लेकिन ऐसे लोगों को एक और पीड़ा हमको थी कि ये अपने जो कार्यकर्ता जो पुराने जो जब कोई नहीं मिलता था उस समय, जो उन्होंने अपना सब कुछ दिया, समय दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, उनकी उपेक्षा किया उन्होंने, इनको मिल गए नए नए लोग, पैसे वाले, गाड़ी वाले, उनको इन्होंने महत्व देना शुरू किया, और बाकी जो सामान्य कार्यकर्ता पहले का था वो उपेक्षित हो गया, वो घर बैठ गया इसमें। ये भी कष्ट, मैं भी उसी में से हूँ, एक मैं भी हूँ, क्योंकि जब मैंने जब अच्छा 4-5 में था तो उसमें संघ में जाना शाखा में लगाता था, शुरू किया, और होते होते मैं विश्व परिषद का जिला अध्यक्ष था, 3 जिलों का मंत्री था, फिर पूरे प्रांत का सेवा का काम देखता था, लेकिन कहीं वो नहीं किया गया कि भाई उन्होंने किया है, लाठी इतनी लाठियाँ खाई हैं, एक बार बहरवास कांड हुआ था जिसमें गांव जला था, उसमें आप देखें कहीं उसमें बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा कांड हुआ था, ये सभी भी बच्ची लोग भाग के गए थे, उस जगह शाम गए थे, उसमें मैं ही मुख्य था, मेरे पर लाठियाँ चली थी। अच्छा, आरएसएस की शाखा में जब आप जाते थे, आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, तो ये तो एक तरह से राजनीतिक, विश्व हिंदू परिषद तो एक राजनीतिक संगठन था, जब धर्म संसद बनाई गई 86 में और राम मंदिर का मतलब घोषणा की गई, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं धर्म को भी इस तरह की राजनीति में लाना उससे कुछ संकट पैदा हो सकता है? हमारा ये था कि अगर मंदिर की बात हो तो जो मंदिर बनवाने के लिए कह रहे हैं तो चलिए ठीक है भाई, कोई और नहीं कह रहा है तो जो कह रहा है उसी को ही समर्थन दिया जाए, इसीलिए उसके साथ लगा रहा मैं, और हमारा कोई बाकी ये नहीं कि जो परिषद में या संघ में नहीं है वो हिंदू नहीं है, लेकिन बाकी संघ भोले वो मानते हो कि नहीं, जो हमारे हैं वही हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं, चाहे वो संघ में रहे हों न जा रहे हों, सब रहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।